मैं डॉक्टर वीनू कुमार आपका स्वागत करती हूँ हेल्थ केयर टिप्स प्रोग्राम पे। आई एम अ क्लीन ईटिंग लाइफस्टाइल मेंटर और मैं यहाँ पे आपके खाने के साथ आपका आपकी इम्यूनिटी कैसे जुड़ी हुई है इसके बारे में बात करती हूँ। तो अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करती हैं या हमें गुड होस्ट बनाती हैं बैक्टीरिया के लिए या वायरस के लिए। तो बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर रेशा बनाती हैं, क्योंकि अगर रेशा आपकी बॉडी में होती है तो वो वायरस के लिए बहुत ही अच्छा आमंत्रण है, वो इमीडिएटली उसको जुड़ के वहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकता है। तो आपकी बॉडी में रेशा बनाने का सबसे बड़ा कारण मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग दूध है। तो मैं रॉ वीगन लाइफस्टाइल कोच हूँ, मैंने अपनी 19 ईयर्स की प्रैक्टिस में देखा है कि मैंने दूध छुड़वा के लोगों की बहुत सारी बीमारियाँ ठीक की हैं। हम ये बिलीव करते हैं कि ये एक तरह का हार्मोन है। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन मैं मानती हूँ कि ये आदमी के खाने के लिए बना ही नहीं, क्योंकि आदमी की आंत में और कुत्ते की आंत में बहुत ज़्यादा फर्क होता है लेंथ वाइज। तो अगर आपकी आंत इतनी लंबी है तो उसके बीच में अगर आप कोई मरी हुई चीज़ डालते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि आपकी बॉडी का उसको इमीडिएटली एडजस्ट कर लेती है? नहीं, आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा जोर लगता है। और अगर आपकी बॉडी का जोर आपके खाने को ही डाइजेस्ट करने में लग जाएगा तो वो आपकी हीलिंग की तरफ क्या ध्यान देगी? तो नॉन वेजिटेरियन मेरे अकॉर्डिंग जो है वो इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करता है। इसके साथ प्रोसेस्ड शुगर, तो जितनी भी शुगर वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इतनी शुगर आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आप शायद सोडा को वैसे पी ही नहीं पाएंगे और कोक पीते हैं तो आप बोलते हैं कि बहुत स्वाद है, क्या डिफरेंस है उनके बीच में? इतनी सारी चीनी डाल दी जाती है। तो अक्सर जो चीज़ आपको बहुत स्वाद मार्केट में लगती है वो कोई मिल्क शेक हो सकता है किसी भी बड़ी कंपनी का। चॉकलेट के बीच में इतनी शुगर होती है कि वो अट्रैक्ट करता है कीड़े। सो बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं जो हमारे से। अगेन तीसरी चीज़ मैं जो सबसे ज़्यादा मेन मुझे लगता है मैदा। मैदा हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत लो करता है। कैसे लो करता है? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को खाने में ही अपनी बॉडी की पूरी जान लगा देते हैं तो उसके पास जान बचती ही नहीं आपकी बॉडी को हील करने के लिए। सो ये भी जो है ये बहुत मेजर रीजंस हैं। कैसे आप मेरे को बिलीव करेंगे अगर आप 10 दिन अपनी बॉडी को जो चीज़ें मैंने आपको मना की हैं आप ये नहीं खाएंगे और इनकी बजाय इनके ऑल्टरनेट्स खाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपको अपनी बॉडी लाइट, ज़्यादा एनर्जी वाली और आप उसकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ कर पाएंगे। फॉलो आपको करना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें वर्क करती हैं कि नहीं। इसमें बहुत सारे क्वेरीज आ रही होंगी आपके दिमाग में, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, हम आने वाले सीरीज़ में आपको आंसर भी करेंगे। शुक्रिया।